जो है हमारा माशरा जो है बुराइयों का मरकज बन चुका है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि अपने जहनों में जो है हमने इबादत का सब महदूद कर लिया है कि बस हम नमाज़ पढ़ लें, रोज़ा रख लें, ज़कात दे दें और हज कर लें तो बस हमारी इबादत पूरी हो गई। और दीन इस्लाम को महज चंद मखसूस इबादत का मजमूआ समझ कर इसके दीगर अहकाम को अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया। बस हमें चाहिए कि हम अपने हर अमल को अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालें ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी इबादत बन जाए और हमारी दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाए। और दीन इस्लाम को महज हम चंद मखसूस इबादत का मजमूआ समझ कर इसके दीगर अहकाम को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं, मतलब ये सिर्फ चार चीज़ें पाँच चीज़ें जिन पर हमें अमल करना है, बाकी हम सबको भूल चुके हैं। बस हमें चाहिए कि हम अपने हर अमल को अल्लाह ताला और उसके रसूल के तरीके के मुताबिक मतलब तरीका जिन्होंने बताया उसके मुताबिक ढालें उस ताकि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो इबादत बन जाए और हमारे दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाए। सही है, आज हमने इसमें ये पढ़ा कि इबादत के बारे में पढ़ा, इबादत का मफहूम, मकसद हयात और इबादत, इस्लामी इबादत का तसव्वुर, ठीक है। हमने ये पढ़ा है, इसका जितना भी काम है सवाल जवाब है फिलिंग द ब्लैंक से जो भी है, ये आपको स्कूल से आकर रिटर्न फॉर्म में लेना है और घर जाकर अपना असाइनमेंट कम्प्लीट करना है। शुक्रिया।